हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। एक बार स्वामी विवेकानंद यूके गए थे। यूके में जैसे वो एयरपोर्ट में उतरे, उधर इंग्लिश लोगों ने उनको स्वागत करने के लिए आए और हाथ आगे बढ़ाकर बोले, हेलो सर। स्वामी विवेकानंद ने दो हाथ को जोड़कर नमस्कार बोले। उसके बाद इंग्लिश लोगों को बोला लगा जे शायद स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आता है, इसलिए वो नेक्स्ट बोले, आप कैसे हो स्वामी जी? तो स्वामी विवेकानंद ने बोले, आई एम फाइन, थैंक यू। तो फिर इंग्लिश ने बोले, गजब करते हो स्वामी जी, आपको हम जब भी इंग्लिश में पूछे आप हिंदी में आंसर दिए, जब हम हिंदी में पूछे आप इंग्लिश में आंसर दिए, ऐसा क्यों? तो स्वामी जी बोले जे, जब आप आपकी माता का सम्मान किए, मैं भी मेरे माता का सम्मान किया। जब आप मेरे माता की सम्मान किए, मैं भी आपकी माता का सम्मान किया। नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं शरद। आप देख रहे हो आप ही का फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट शरद टेक। हमेशा हमारा देश को सम्मान करना सीखिए और सम्मान करते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला है, जो कि अब होगा क्या, किसका, हिंडनबर्ग ना अडानी जी का। आज सुप्रीम कोर्ट में था सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या आया ये करेंगे वीडियो में चर्चा। साथ ही साथ और आपका पास अडानी ग्रुप का कोई भी शेयर हो तो आप क्या करना चाहिए, आपको ये करेंगे ये वीडियो में खुलासा। तो चलिए स्टार्ट करते आज का टॉपिक को। दोस्तों, आज से लेकर 24 जनवरी 2023 को चलते, तो देखेंगे 24 जनवरी से लेकर अभी तक जो कि 17 फरवरी तक अडानी एंड हिंडनबर्ग का जो फाइट चल रहा है, इसमें कौन जीत रहा है। ऑब्वियसली आप बोलोगे हिंडनबर्ग ही जीत मार रहा है, ये क्या सही है ना गलत है। तो ये 24 जनवरी से लेकर अभी तक अडानी जी ने उनका संपत्ति का बहुत कुछ खो चुके हैं। उनका संपत्ति का बहुत कुछ, और कभी भी सोचे नहीं थे जे मैं ऐसे संपत्ति का मेरा खो लूँगा, बट हो गया है। तो इसमें हिंडनबर्ग जो कि छोटी मोटी एक अमेरिका का एक रिसर्च फर्म ने हम वर्ल्ड का सेकेंड रिचेस्ट पर्सन को उतार कर अभी 24 नंबर का ऊपर लेकर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, कभी भी चींटी को मत समझना जे छोटा है, लेकिन कभी कभी वही चींटी इतना बड़ी बड़ी हाथियों की भी मार गिरा देता है, इतना दम रहता है। इसीलिए कभी भी किसी का असम्मान करना सही नहीं है। जैसे कि हिंडनबर्ग बोला था जे अडानी ग्रुप को 85% उसका हाई से गिरना चाहिए। आप देख सकते हो फ्रेंड, आप भी जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने का बाद जो कि अडानी ग्रुप का बहुत सारे कंपनी का 80% तक की फॉल आ चुका है, ये तो आप तो मानना ही चाहिए। मोस्टली 99% आप बोलकर चलो, पूरा ग्रुप के ऊपर 70% का आसपास की गिरावट आ चुका है। आप बोलेंगे क्या अभी से ख़त्म हो गया सब, अभी हम लोग बाइंग करें? तो फ्रेंड्स, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में आज तो चालू हुआ सुनवाई। ये सुनवाई जो चालू हुआ आज सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोले ये वीडियो में करेंगे थोड़ा सा चर्चा। अडानी ग्रुप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज जो तारीख था, वो तारीख में पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट के बारे में हुआ चर्चा। चर्चा में ये निकल के आया था, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, और जो कि करंट सरकार इंडिया का, वो क्या किए थे, बंद लिफाफा में सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर दिए थे। तो वो लेटर में वो जो भी कुछ लिखे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऊपर कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था आज का दिन में, देखिए फ्राइडे, आज का दिन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, कोई बंद लिफाफा नहीं चलने वाला है, जो भी है पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो भी मैटर आपका है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो वो मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक एडवोकेट मिस्टर विशाल तिवारी, वो क्या बोले है, अडानी ग्रुप ने बढ़ा चढ़ाकर उसका शेयर को अपसाइड जो लेकर चल जा रहा था, इसीलिए ये लौबत आ गया है।
ओके। और मान्यवर सुप्रीम कोर्ट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो उसका सही डायरे में सही जांच करना चाहिए करके मिस्टर तिवारी ने बोले। उसके बाद दूसरा एडवोकेट एम एल शर्मा ने बोले हिडनबर्ग एक से शॉर्ट सेलर है, तो उसके बात को सुप्रीम कोर्ट को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बार के चर्चा चालू हुआ, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो कि बोले है जो कि बहुत बड़ी अच्छी डिसीजन दिए, जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का वो बोले जे सुप्रीम कोर्ट एक क्या बोलते हैं उसको एक के आप बोल सकते हो उसको एक जांच टीम बैठाएंगे, वो टीम ही सब कुछ करेगा फैसला, वो टीम सब रिपोर्ट लेकर आएगा, सब कुछ देखने के बाद हम करेंगे डिसीजन, ऐसा हुआ फाइनल आज का दिन में सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन के पहले एंड सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन के बाद आप क्या सोचते होगे, क्या एक दिन में सब कुछ सुप्रीम कोर्ट फाइनल कर देगा? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये केस तो अभी शुरुआत हुआ है, एक से दो साल तक चलेगा। उसके अंदर अडानी का शेयर भी अपसाइड डाउन साइड लेफ्ट राइट करते रहेंगे। बट आज का दिन में भी हम लोग देखेंगे शेयर प्राइस में क्या कैसा काम हुआ। ठीक ठाक है फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं है आज अडानी शेयर को लेकर। आप देखोगे अडानी एंटरप्राइजेस थोड़ा सा हल्का सा गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया, अडानी ग्रीन भी जोखेंगे 2% तेजी के साथ क्लोजिंग दिया, अडानी पोर्ट तो भी हरा निशान में क्लोजिंग दिया, अडानी पावर तो जो कि अपर सर्किट 5% का ऊपर दिया है क्लोजिंग। साथ ही साथ आप देखोगे अडानी ट्रांसमिशन वो भी 5% नेगेटिव में जाकर क्लोजिंग दिया, एंड अडानी टोटल गैस जो कि 5% नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, एंड अडानी विल्मर जो कि 5% ऑफसाइड में जाकर क्लोजिंग दिया। इसमें आप क्या सोचते होंगे, कुछ शेयर अपर सर्किट, कुछ शेयर लोअर सर्किट, कुछ शेयर फ्लैट कारोबार कर रहे, तो इसका क्या मतलब समझे हम? मतलब अभी कुछ नहीं से फ्रेंड्स, अभी आपको कुछ भी ढूंढना ज़रूरत नहीं है, ढूंढने का टाइम अभी नहीं है फ्रेंड्स। ढूंढने का टाइम कब है? जब भी ये डिसीजन पूरी क्लियर होने के लिए, पूरी क्लियर होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। कभी अपसाइड जाएगा, कभी डाउनसाइड आएगा, कभी अपसाइड जाएगा, कभी डाउनसाइड आएगा, ऐसे ही सिलसिला चालू रहेगा। बट आप एक नोटिस किए हैं क्या? आज आप देखे होंगे जो कि 24 जनवरी से लेकर अभी तक जो लो लगाया था निफ्टी ने, वो निफ्टी ने लो को रिक्लेम कर चुका है जो कि हमारा बजट के बाद। तो फ्रेंड्स अडानी ग्रुप को लेकर मार्केट जितना सेंटीमेंट होने का था हो चुका है, ज़्यादा और सेंटीमेंट नहीं होगा ये भी ध्यान दीजिए। और आपका पास अडानी का शेयर है तो आप इसका पर आपका जो विशेषज्ञ की आपका जो सलाहकार रहेंगे उसका सलाह लेकर कोई भी कदम उठाइए। साथ ही साथ मैं आपको एनकरेज करूंगा, जो कि म्यूचुअल फंड का कुछ रिपोर्ट आया था जो कि जनवरी मंथ का मैंने उसको पढ़ा था, उसमें अडानी पोर्ट एंड अंबुजा सॉरी एसीसी सीमेंट को काफ़ी म्यूचुअल फंड ने भारी मात्रा में बाइंग कर रहे, इसका ऊपर थोड़ा नज़र रखिए। अगर आपका पास है तो उसको नज़र रखिए, नहीं है फिर भी नज़र रखिए। साथ ही साथ बाकी कंपनी कोई है आपके पास तो आप इसका ऊपर भी नज़र रख सकते हो फ्रेंड्स। और एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ, अडानी का कोई भी शेयर मेरा पास नहीं, मेरा कोई भी वीडियो उठाकर चलिए, मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ अडानी का मैं कोई भी शेयर में इंटरेस्ट नहीं बाइंग करने के लिए, एक्सेप्ट अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट अडानी टेक ओवर करने से पहले मेरे पास था और अभी भी मेरा पास है, और मेरा बाइंग प्राइस से अभी भी ऊपर चल रहा है, तो इसीलिए मैं उसको अभी तक मेरा पोर्टफोलियो में जगह देकर चल रहा हूँ। जब मेरा बाइंग प्राइस का आसपास की नीचे आने के लिए कोशिश करेगा, मैं अंबुजा सीमेंट को डेफिनेटली निकाल दूंगा मेरा पोर्टफोलियो से, ओके। और आपको एक अपडेट देना चाहूँगा फ्रेंड, जो कि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन जीरो टू हीरो कॉल में इंटरेस्टेड हो तो हमारा प्रीमियम सपोर्ट ग्रुप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है काम, जिधर कि आप हमारा प्रीमियम सपोर्ट ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको एंजल वन ने तो ऑपस्टॉक्स में हमारा दिया गया लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन करते हो, हम हमारा प्रीमियम सपोर्ट ग्रुप में लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको देते हैं। उधर आपको मिलता है निफ्टी बैंक निफ्टी जीरो टू हीरो कॉल स्टॉक ऑप्शन कॉल ईच एंड एवरी फ्री ऑफ कॉस्ट।
ओके ये हमारा प्रीमियम सपोर्ट ग्रुप का स्क्रीनशॉट। हम मेंबर्स, हमारा मेंबर जो काम करते आप लोग के सामने, ये सब करते हैं आप लोग के सामने चर्चा। देखिए आज का दिन में भी आप लोग को शानदार शानदार निफ्टी, बैंक निफ्टी का कॉल दिया था। ये अगर देखे नहीं जल्दी से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग हो जाइए एंड देखिए हमारा कॉल कैसा काम कर रहा है पर डे बेसिस। इसका साथ साथ स्टॉक ऑप्शन कॉल में भी आज आप लोग को दिया था एस्कॉट का एक ऑप्शन कॉल 30 रुपया में आप लोग को दिया था एंड ये कॉल भी बहुत गजब कर कर गया। उसके साथ साथ जीरो हीरो कॉल, देखिए हमारा प्रीमियम सपोर्ट ग्रुप मेंबर को कैसा काम मिलता है। देखिए फाइनेंस निफ्टी का जीरो हीरो कॉल प्रोवाइड किया था आज ही का दिन में, जो कि 18,400 का पी 30 रुपया में दिया था। 130 रुपया तक हम लोग पैसा को 4 गुना करके आए। एक लॉट में 40 क्वांटिटी आता है फ्रेंड फाइनेंस निफ्टी का। अगर आपने सोचो होगे जो इतना छोटी रकम में कितना बड़ी पैसा कमा सकते हैं, ये आपको हमारा चैनल बनाकर देता है पैसा, ये गारंटी के साथ। आप हमारा टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, देखिए कैसा काम हो रहा है। पसंद आता है तो हमारा सपोर्ट ग्रुप में जुड़िए, नहीं तो कुछ इशू नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं, एक दो दिन आकर देख कर चल सकते हो, ओके ना। तो चलिए फ्रेंड्स, जो सिलसिला चालू है अभी अडानी एंड हिंडनबर्ग के साथ, ये कब तक चल रहा है, कब होगा इसका अंत, ये तो बोलना बहुत ही नासंभव। तो संभव कभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फाइनल करते, उसके बाद अमेरिका का कोर्ट कभी क्या फाइनल करते, ये सब सिलसिला चलते रहेगा। और आपका पास ये तो प्लीज़ केयरफुली ट्रेड कीजिए, प्लीज़ केयरफुली आपका पोर्टफोलियो को जांच करते रहिए एंड आपका डिसीजन लेते रहिए। मिलते नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।